भाई काव्या एक जज्बा एक जुनून का जो आज का एपिसोड था, मतलब लिटरल वे में मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा आदि की, अगर मैं बात करूं उसके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आदि एक ऐसे सिचुएशन में हमें देखने को मिला कि बंदा वो सच में हर्ट हो रहा है ये देखकर कि उसकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ मूव ऑन कर चुकी है और वो अभी भी सिंगल है और अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा है। दूसरी तरफ काव्या इस बात को लेकर काफी ज्यादा, मतलब वैसा फील हुआ मुझे कि इस बात को लेकर काफी ज्यादा हर्ट है कि आखिर अब सब लोग उसके पास वापस आने के बात करने को लेकर क्यों आ रहे हैं। सब लोग वापस आ रहे हैं, भाई आ जाओ काव्या, आ जाओ काव्या, और ये चीज देखने को मिली क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थी कि जब टाइम था, मौका था, दस्तूर था, तब तुमने नहीं रोका, तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया, और अब जब मैं दोबारा तुमसे मिली 3 साल के बाद, तो तुम ये कह रहे हो कि भाई हमसे गलती होगी, हमें एक और चांस दे दो, एक और मौका दे दो। इसका कोई सेंस बनता है? लिटरली में तो सेंस बनता नहीं है सीरियसली, क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सी बात है, आप एक बार अगर कोई गलती कर चुके हो तो वो गलती आप दोबारा रिपीट नहीं करते, ठीक है, और अगर आप वो गलती दोबारा रिपीट कर रहे हो, इट्स ऑब्वियस एंड नॉर्मल कि आप वो चीज सही नहीं कर सकते। यहां पे बार बार मालिनी वही बात बोल रही है कि जो भी हुआ उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, मतलब आपके जो वर्ड्स थे मिस मालिनी जी, आप उन बात पर अभी भी टिके हुए हो। आप ये कह रहे हो कि जो भी मैंने बोला उसको भूल जा, जो हुआ भूल जा, ठीक है, अब आगे मूव ऑन करो, नई चीजों के बारे में सोचो, समझो, अपनी लाइफ को आगे लेके चलो। मतलब सीरियसली, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मालिनी खुद एक औरत होकर ये बात कैसे बोल रही हो, कैसे बोल सकती है। मैं मतलब हैरान हूँ और शॉक्ड इस बात को देखकर सुनकर कि ये कैसे बोल रही है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल सकता भाई, बोल ही नहीं सकते आप, जबकि आपको पता कि आप ये बात गलत कह रहे हो। मालिनी से ज्यादा भरोसा संजीव और अलका को है कि काव्या ऐसा नहीं कर सकती, बट मालिनी को भरोसा है कि काव्या ऐसा कर सकती है, और जब आपको ये भरोसा है कि काव्या ऐसा कर सकती है, आप क्यों बुलाने आ रहे हो? काव्या क्यों आएगी भाई तुम्हारे पास? आगे चल के फिर ऐसे कुछ हुआ जो उस पे एक झूठी बात लगी, भाई काव्या ने ऐसा कर दिया, और सब उस बात को मानेंगे। क्यों आऊं भाई मैं? मेरे वापस आने का मतलब क्या बनता है? क्या रीजन है? सही बात है ना भाई, क्यों क्यों मैं वापस आऊं? अगर मैं एक बार जला हुआ दूध पी चुका हूं, सॉरी गर्म दूध पी के अपने आप को जला चुका हूं, तो मैं क्या पागल हूं कि मैं दोबारा फिर से गर्म दूध पी के अपने आप को जलाऊंगा? नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि वो दूध जितना ज्यादा ठंडा हो सके उतना ज्यादा ठंडा रहे, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरा मुंह जो जला हुआ है वो हील हो। बट नहीं, आप चाहते हो कि काव्या के साथ जो हमने पहले किया वही चीज दोबारा भी हो, और हम लोग उसको बोले कि भाई देखो जैसे पहले तू भूल गई अब वैसे तू दोबारा भूल जा। नहीं हो सकता। एंड मुझे यहाँ पे काव्या के लिए काफी अच्छा लगा कि वो इस चीज पे अडिग है और हिलेगी नहीं कि भाई नहीं मेरे को वापस नहीं जाना, और जिस तरीके से मालिनी को जवाब दिया काव्या ने, माइंड ब्लोइंग था भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात काव्या की बड़ी मुझे अजीब सी लगी, काव्या ब्रश करने के लिए मोहल्ले की जो आंटियां होती है उसकी लाइन में लग के पानी ले रही। अरे भाई 20 रुपए की बोतल लो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, ब्रश रुपए पानी वानी लगाओ, लग करो ब्रश, बस निकल जाओ। ठीक क्या भाई आंटियों की लाइन में लगोगे, लग रहे हो मतलब पानी लेने के लिए, इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। हाँ बस वही है ना कि काव्या के एक मोनोलॉग शुरू हो जाते हैं बीच बीच में, तो वही एक मोनोलॉग की जो बात है वो दोबारा डालनी थी वो डाल दे भाई, बस वही एक रिफ्रेश करने के लिए। हाँ भाई काव्या का ये मोनोलॉग वाला जो है वो अभी भी मेंटेन है, बरकरार है, वो चेंज नहीं हुआ। बड़ी सिली और बकवास सी चीज लगी मुझे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पर इसकी जगह काव्या को बीच सड़क पे पानी की बोतल लेके ब्रश करता हुआ दिखाते, और विक्की विक्की की मम्मी उसको वहां पर देखती, ज्यादा मुझे लॉजिकल लगता, और ज्यादा मुझे वो सही लगता है इंस्टेड ऑफ आंटियों की लाइन में लगा हुआ। अब पता नहीं मेकर्स क्यों इतनी छोटी छोटी चीजों को समझते नहीं है कि भाई ऑडियंस को समझ में आता है कि इस बातों पे सेंस नहीं बनता,
भी वो दिखा रहे। और काव्या इतनी गरीब तो है नहीं, वह उसके पास 20 रुपए की पानी की बोतल लेने के पैसे नहीं होंगे। इस बात का मेरे अकॉर्डिंग सेंस नहीं बनता। वहां पर एक ये जो मोनोलॉग था, वो मोनोलॉग वहां पे ये लोग यूज कर सकते थे कि भाई अभी मतलब भीड़ भीड़ लगी है ठीक है दुकान पे, तो वो लोग बोलते कि भी रुक जा रहे कहीं और से जाके ले ले, क्योंकि काव्या हमें पता है, वो बोलती कह रहे भाई मेरा नंबर था मुझे दो, मैं कहीं और से जाके ले चल जा जा यहाँ से जा जा या फिर आ जा आ जा, ऐसे करके कुछ बात जो थी वैसे करके वो बोलते। और यहाँ पे काव्या का भी वो जो मोनोलॉग शुरू हुआ वो शुरू हो जाता। वो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा सही था, ज्यादा बेटर था। अब बात करते हैं विक्की की। विक्की का पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छा चल रहा है, काफी बढ़िया चल रहा है। और एक जो हम लोगों ने मीम्स में देखा है, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल कहीं से भी फेंको अपने टारगेट पर पहुंच ही जाती, वो हमें दोबारा देखने को मिला। विक्की की मम्मी ने घर के अंदर से चप्पल फेंकी और विक्की के पास बिल्कुल पहुंच गई। और मतलब सीरियसली मेकर्स ने जिस तरीके से इस चीज को क्रिएट किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा। और आज ही इस बारे में मेरे घर में भी बात हो रही थी कि भाई मम्मी कहीं से भी चप्पल फेंके वो फ्लाइंग चप्पल भाई अपने टारगेट पे जाके रिसीव हो जाती है। वही चीज हमने आज काव्य के एपिसोड में भी दिखा दी। दूसरी बात, यहाँ पर विक्की के पास्ट को लेकर हमें हल्का फुल्का जानने को मिला, हल्का हल्का, ज्यादा तो नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अब विक्की के पास्ट की शुरुआत आज के एपिसोड से हुई है, मुझे सभी लग रहा है कि आने वाले सितंबर के मिड तक हमें विक्की के पास्ट के बारे में भी काफी कुछ पता चल जाएगा या चलने लगेगा। रीजन उसका ये है विक्की का पास काफी इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों में, क्योंकि विक्की जिस तरीके से गुजरा है, आई थिंक काव्या नहीं चाहेगी कि विक्की मतलब जो है वो सिचुएशन में दोबारा आ जाए। तो यही देखने के लिए मतलब मैं हूँ इंटरेस्टेड कि अगर काव्या नहीं चाहती कि विक्की दोबारा उसी सिचुएशन में जाए, तो अब विक्की जब वो चाह रहा है कि भाई एक बार तुम दोबारा आदि के ऊपर ट्रस्ट करके दोबारा वो सिचुएशन में जाओ जो तुम्हारी थी, तो यहाँ पे काव्य का क्या टेक हुआ उसको? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आदि और काव्य को मिलाने के लिए विक्की आएगा और दूसरी तरफ हमारा जो ओमी है वो भी आएगा। तो देखती है आने वाले एपिसोड में लोग क्या करते हैं। बट यार सच बताऊँ, स्टोरी बड़ी मजेदार चल रही है। हर एक करेक्टर का हर एक रोल पूरे के पूरे स्टोरी लाइन में काफी अच्छी तरीके से, मैं बताऊँ, डिटेल्ड में लिखा गया है। वो समझ में आ गया कल के एपिसोड के बाद से और आज के एपिसोड के बाद से कि हर एक कैरेक्टर के बारे में काफी डिटेल और काफी अच्छी तरीके से मैनेज करके लिखा गया है। एंड आई होप इस चीज को आगे वो लोग बरकरार रखे और हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंस दी जाए जितनी इंपॉर्टेंस अभी तक दी गई है, चाहे वो संजीव हो, अलका हो, ओमी हो, आदि हो, काव्या हो, उनके घर वाले हो, या फिर विक्की हो, उसकी मम्मी हो। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा या नहीं। और इसी तरीके की अलग अपडेट छुड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हमारा कोई भी लेटेस्ट।